सो फ्रेंड्स वेलकम. आई होप सब लोग बहुत हेल्दी है, घर में भी आपके घर में सब लोग बहुत मस्त है और आनंदित है. आज का एक क्वेश्चन है, मैं नाम नहीं बोलूँगा किसने लिखा है क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि नाम साइलेंट रखे, और हम ये कोशिश करेंगे. अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल नाम हम बताएंगे नहीं, उसको साइलेंट रखने का प्रयत्न करेंगे. पर आपका प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है. शरीर के ऊपर कोरोना की कोई इफेक्ट नहीं है, माय बॉडी इज एब्सोल्युटली हेल्दी. मेरा जीवन वैसे बहुत मस्त चल रहा था, पर ये 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा सैडनेस फील कर रहा हूँ, घुटन सी हो रही है और बहुत सफोकेटेड फील कर रहा हूँ. इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई तकलीफ है, आई एम हेल्दी फिजिकली, बट एक प्रकार का सैडनेस और बेचैनी मुझे परेशान कर रही है. समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है और मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूँ. या विल डिस्कस. दोस्तों ये हो सकता है अभी का जो बाहर की दुनिया में जो सब कुछ चल रहा है, यू नो, कभी ना सोची है ऐसी चीज़ें चल रही है इस दुनिया में, तो उसकी असर हो सकती है. जैसे आपने बताया शरीर के ऊपर कोई असर नहीं है पर मन के ऊपर असर है, तो वो क्या हो रहा है आपके मन के साथ वो जानना पड़ेगा. और वो कौन और जान सकता है, मुझे लगता है कि यू आर द बेस्ट पर्सन जो आप अपने आप को जान सकते हैं. थोड़ा सा प्रयत्न करो खोजने का. क्या कॉज मेनली हो सकता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अभी जो भी माहौल है, जो भी हो रहा है, पूरी दुनिया लॉकडाउन में है और बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, और ये सब जो माहौल बाहर के दुनिया में बना हुआ है, कहीं ना कहीं आपके मन में अगर जाग के देखो तो कहीं ना कहीं जो भी हो रहा है ना उसके प्रति एक स्ट्रांग नॉन एक्सेप्टेंस हो सकता है. आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति है तो हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं. पर देखो नॉन एक्सेप्टेंस आपके मन को अशांत कर रहा है. ये सैडनेस है ना, वो कहीं ना कहीं नॉन एक्सेप्टेंस से है, अस्वीकार है स्ट्रांग. एक बात हमें जानना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा कि अभी जो माहौल है वो है. आप कंप्लीटली 20-25 दिन के लिए कंप्लीटली लॉकडाउन में है, आपका काम बंद है, ये जो भी हो रहा है वो सब कुछ है, और आप अपने रूम में आपके घर में परिवार के साथ बैठे हुए हो. और कुछ लोग कहते हैं कि 21 दिन पता नहीं और भी लंबा हो सकता है. सो जो भी परिस्थिति चल रही है उसके प्रति अगर नॉन एक्सेप्टेंस है, तो वो अंदर से माइंड या तो रिटालिएट करेगा, व्यग्र हो जाएगा, या तो सैडनेस में चला जाएगा. आप इस सत्य को समझ लो, ऐसा हो रहा है, और स्वीकार, अंदर से वो स्वीकार को अनुभव करना पड़ेगा. दोस्तों मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअली ये जो नॉन एक्सेप्टेंस है वो क्या है. हमारे अंदर का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस होता है कोई भी परिस्थिति. अभी आपके सामने ये परिस्थिति है तो अंदर से एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस आपका खुद का मन का, ऐसा क्यों है ये आपको परेशान कर देता है. बट द फैक्ट इज ऐसा है. अब मैं क्या कर सकता हूं. आप एक्शन पे आओगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आओगे, कब, जब आपके मन में स्वीकार हो जाएगा. पर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे या सैडनेस में चले जाओगे क्योंकि अस्वीकार है. वो सैडनेस के साथ जो आपने अभी डिस्क्राइब किया उसके साथ, वो इमोशन के साथ ना आप खुद को सपोर्ट कर पाओगे, दूसरों को करने का तो ख्याल ही छोड़ दो. सो अगर वो भाव ज़्यादा रहा तो और ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है. तो उसमें से बाहर कैसे निकले, सिंपल चीज है, थोड़ा सा आँख बंद करके बैठो अपने आप के साथ. वैसे भी समय है, पूरा दिन आपके पास पड़ा है, आंख बंद करके बैठो और वो सभी नेगेटिव इमोशन को सांस के द्वारा रिलीज करते जाओ. एक चीज है, अच्छा प्राणायाम करो, बहुत सारे प्राणायाम सिखाए गए हैं वो करो. आप गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का जो मेडिटेशन वो करा रहे हैं, लाइव मेडिटेशन करा रहे हैं, वो आप करो. दोपहर में 12 बजे हैं और शाम को 7:30 बजे हैं. तो जब आप अपने आप के साथ बैठते हैं
और वो नेगेटिव इमोशन को रिलीज करना सीख लेते हैं तो आप बहुत आसानी से उस सैडनेस से बाहर आ जाओगे। देखो सैडनेस का फीलिंग जो है वो इमोशन है, वो कोई रखने जैसा नहीं है। जैसे आपने बताया 3-4 दिन से है तो क्विकली उससे बाहर निकल जाओ, और वो आप कर सकते हैं। अगर नहीं करोगे तो वो सैडनेस वाला फीलिंग भी आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा। फिर ये जो 20-21 दिन का लॉकडाउन है उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो मिस कर दोगे। और एक सत्य को जान लो, जो है सो है, जो हो रहा है वो हो रहा है। ये सब कुछ बाहर की दुनिया में हो रहा है, पर आप अंदर झांक के देखो अपने आप के साथ तो अंदर कुछ एकदम शांति है, अंदर कुछ स्थिरता है। उस स्थिरता को आप बनाए रखो, वो अंदर की जो स्थिरता है, अंदर की जो वो एक शांति है, उसकी एक बार अनुभूति कर लो। अपने आप में स्थिर हो जाओ, भीतर में इतने मजबूत हो जाओ कि बाहर ये सब चल रहा है उसका बहुत ज्यादा गहराई में असर ना हो जाए। मैं हमेशा ये कहता हूं, आउट टू इन, माने बाहर की दुनिया में कुछ गड़बड़े चल रही है तो उसकी असर अंदर होती है, पर वो थोड़े समय होनी चाहिए। आउट टू इन ठीक है, पॉसिबल है, बट इन टू इन वो आपके हाथ में है। सो यहां पे इस तरह से समझ रहे, जो भी अभी कोरोना वायरस की वजह से जो भी ये सब चल रहा है उसका थोड़ा असर अंदर हो सकता है, लेकिन वो असर को बनाए रखना और उसमें पड़े रहना वो आपका चॉइस है माय डियर। सो उससे तो बाहर निकलना है, आज ही निकल जाओ और मुझे बताओ, आप शेयर करो कि आप निकले कि नहीं, कैसे निकले। हो सकता है आपका कमेंट बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। आई होप आप प्राणायाम का प्रैक्टिस करोगे, आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस करोगे। कई बार ऐसी इमोशन जो थोड़ा सा आपको हैवी कर रही है उस समय में आंखें बंद करके बैठने से, और बैठे रहो 5-10-15 मिनट, जल्दीबाजी मत करो आंख खोल के बाहर निकलने की, एंड यू विल सी दैट सांस का काम ही है नेगेटिव इमोशन को रिलीज करना। और उसमें अगर आप प्रयत्न ऐड करोगे, एफर्ट के साथ करोगे, अवेयरनेस के साथ करोगे, तो आई एम श्योर बहुत जल्दी बाहर निकल जाओगे। सैडनेस वो आपका स्वभाव नहीं है, आनंद और मस्त रहना आपका स्वभाव है। तो यहाँ पे ही स्माइल करो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं यहीं पे स्माइल करो, मुस्कुराओ, खुश रहो, एंड यू विल सी दैट वो सैडनेस अपने आप चला जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ पे हम रोज कुछ शॉर्ट आंसर के साथ गहरे प्रश्नों को हम सुलझाने का प्रयत्न करेंगे, और इसमें मेरा ही एक्सप्लोरेशन हो रहा है। सो विन विन सिचुएशन है, मुझे भी कुछ सीखने को मिल रहा है और वो जो मैं सीख रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और भी कोई प्रकार की तकलीफ है, कोई भी प्रकार के सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ आप शेयर कीजिए, कोई ना कोई ज़रूर रास्ता निकलेगा। हम सब साथ में मिलके ब्लेसिंग्स देंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे और सब कुछ पॉजिटिव परिवर्तन होता जाएगा। सो कल हम फिर से मिलते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर ये नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, और फिर हम प्रयत्न करेंगे उसका उत्तर देने का। और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल के ऊपर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो मिलते हैं कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।